दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों, कभी कभी डर और मजबूरी भी हमारी कामयाबी की वजह बन जाती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। कभी कभी जो चीज़ हम शौक से या खुशी से नहीं करते, उन्हें हमें मजबूरी में या डर की वजह से करना ही पड़ जाता है, और हम करते करते एक दिन इसी मजबूरी और डर की वजह से कामयाब हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझें, अगर आप किसी ऐसे मोड़ पर आकर फंस गए कि आपको मजबूर होकर या डर कर कोई काम करना पड़ जाए, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता न बचे, तो आप क्या करोगे? दोस्तों, आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का नाम तो सुना ही होगा, और मेरे ख्याल से आप उनकी बायोग्राफी के बारे में जानते ही होंगे, पर हो सकता है किसी किसी को न पता हो। दोस्तों, उनकी सक्सेस के पीछे उनकी मेहनत है, उनका टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनकी कामयाबी के पीछे उनकी मजबूरी और उनका डर भी है। ये बात शायद आपको पता हो या न हो, पर ये सच है। डर था उनके अपने आत्मसम्मान को खोने का, लोगों के बीच मजाक बनने का, और मजबूरी थी कि उनके पास पैसे नहीं थे आने जाने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी। इसी डर और मजबूरी की वजह से उन्हें मुंबई में ही रहना पड़ा, और वो जब फिल्मों में रोल के लिए जाते थे तो उन्हें देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें रोल भी नहीं देते थे, यहाँ तक कि उन्हें भिखारी का रोल भी देने से कतराते थे। और वो रोल के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पीछे पीछे घुमा करते थे, और रोल नहीं मिलता था जिसकी वजह से वो हताश और निराश हो जाते थे। रोल न मिलने की वजह कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी भी थी। उनकी शक्लो सूरत उतनी खास नहीं थी, उनकी पर्सनालिटी भी खास नहीं थी जितनी होनी चाहिए। इसलिए जब भी वो रोल मांगने के लिए जाते तो लोग उनको पहले ऊपर से नीचे तक देखते थे, उसके बाद बात करते थे। मगर वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मर्दा ते खुदा। दर दर ठोकर खाने और बार बार इनकार झेलने के बाद भी नवाजुद्दीन सर ने हिम्मत नहीं हारी, अपना पेशेंस नहीं खोया। लोगों ने उनकी इसी जिद, लगन, हिम्मत और पेशेंस को देखकर फिल्मों में छोटा मोटा रोल देना चालू कर दिया, और आज वही बंदा जिनको लोग रोल देने से कतराते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, आज लीड रोल के लिए उन्हें साइन करते हैं। जिस इंसान को लोग भिखारी का रोल भी नहीं देते थे, आज ऐसी ऐसी फिल्में कर चुके हैं, ऐसे ऐसे रोल कर चुके हैं कि लोग उनकी एक्टिंग को देखकर वाह वाह करते हैं, और आज वो मिसाल बन चुके हैं उन लोगों के लिए जो लाइफ में अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनके घर परिवार में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। उन्होंने साबित करके दुनिया को दिखा और सिखा दिया कि दुनिया में अगर जीतना है, कामयाब होना है, तो आप में आपके काम के प्रति पैशन होना चाहिए, हिम्मत और धैर्य होना चाहिए। अगर आप में दम है तो दुनिया खुद आपको सर पर उठा लेगी,
और आपको वहाँ बैठा देगी जहाँ के आप काबिल हो। दोस्तों, अगर देखा जाए तो नवाज सर के कामयाबी के में जितना हाथ उनकी लगन, टैलेंट और मेहनत का है, उतना ही हाथ उनके डर और मजबूरी का भी है। क्योंकि अगर उनके पास पैसे की मजबूरी नहीं होती और दोस्तों यारों और रिश्तेदारों में मजाक बनने का डर नहीं होता, तो न तो वो इतने धक्के खाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में रहते और न ही आज इतने बड़े स्टार होते। और आज जाने कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद और विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका हमारे चैनल पर ये पहला विजिट है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उससे मोटिवेट होते रहें और लाभ उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर किसी भाई को फिल्मों से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, जैसे सिंगिंग, एक्टिंग, राइटिंग से जुड़ी हुई, तो आप वो भी हमें कमेंट करें। मैं आपके उन सवालों का जवाब भी वीडियो के माध्यम से जल्द देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर कोई ग्रुप कॉमेडी वीडियो या शॉर्ट फिल्म बनाने का इच्छुक हो और उन्हें राइटर चाहिए जो उनके लिए कंटेंट, स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख सके, तो ऐसे भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हमें दीजिए इजाज़त। तो चलते चलते आपको एक बार फिर से साजन का प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स टू बी हियर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।